हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर। श्रेणी यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये बेस है इनपुट एंड आउटपुट पे। यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसा है, ये अल्फाबेट जहाँ बोल सकता हूँ अल्फाबेट या वर्ड, ठीक है, प्लस आपका नंबर पे बेस है। कैसा बेटा आपका अल्फाबेट नंबर आपका वर्ड या फिर नंबर पे बेस आपका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है, इसका आउटपुट जो है वो फाइव स्टेप में आ रहा है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ इस इनपुट के लिए बोला गया है आउटपुट निकालो, और इसी पे बेस फाइव क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे जब हम यहाँ पे इसका आउटपुट निकाल लेंगे। अब बेटा देखो यहाँ पे किया क्या हुआ है, आपको लास्ट स्टेप मैंने बताया कि फर्स्ट और लास्ट स्टेप में यहाँ डिफरेंस देखना है। लास्ट स्टेप में अगर बात करो नंबर की, तो नंबर आपके हमेशा यहाँ पे कैसे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर बात करो यहाँ पे वर्ड की, तो बी जी एम और पी, ये कितना है 2, 7, 13 और 16, और आपके अल्फाबेट भी कैसे हैं यहाँ पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो इसका मतलब यहाँ मैं आप मूव करूँगा फर्स्ट स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप में बेटा यहाँ पे अगर देखूँ मैं चेंज क्या किया, आपको देखना है कि पहले में और लास्ट में कोई चेंज हुआ कि नहीं। आपको देखना है बेटा पहले में और लास्ट में कोई चेंज हुआ कि नहीं। अगर पहले और लास्ट में दोनों में चेंज हो रहा है, अगर पहले और लास्ट में दोनों में चेंज हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, एक मैं बात करूँ कि इस तरीके की आपकी यहाँ पे मूवमेंट हो सकती है। आपकी यहाँ मूवमेंट कैसे हो सकती है बेटा, इस फॉर्म में मूवमेंट हो सकते हैं, बोल सकते हैं इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट। यहाँ पे मूवमेंट की बात करें तो कैसी हो रही है बेटा आपकी, इनवर्ड मूवमेंट। क्यों, क्योंकि सबसे पहले आपका नंबर यहाँ गया और एक नंबर यहाँ आया। फर्स्ट टाइम में क्या हुआ बेटा 22 और 89 आपके यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। नेक्स्ट टाइम में 22 और 45 और 62 और 89 आपके यहाँ पे एडजस्ट हो गए हैं। तो बाकी सभी स्टेप में आपके नंबर यही लाई कर रहे हैं, आपके नंबर यही लाई कर रहे हैं। मतलब अगर नंबर का ही पूरा अरेंजमेंट होता तो सारे नंबर आपके इस फॉर्म में आते, तो हम बोल सकते हैं इनवर्ड अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं, इनवर्ड अरेंजमेंट। नाम से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे चीज समझनी है कैसे गिवन है पैटर्न। देखो इनमें बात करो पी जी बी और एम, तो पी जी बी और एम आपके ऐसे ही गिवन है। यहाँ पी जी बी और एम आपके ऐसे ही गिवन है, लेकिन यहाँ पे आपके नंबर जो अरेंज हुए हैं वही आपके आगे स्टेप में फॉलो होते जा रहे हैं। ये चीज आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है, जो नंबर यहाँ पे अरेंज हुए हैं वो आगे वाले स्टेप में फॉलो होते जा रहे हैं, लेकिन वर्ड आपके अभी तक चेंज नहीं हुए हैं। अब आपके वर्ड चेंज हुए, बी आपका यहाँ हुआ, बी में चेंज हुआ, देन पी वैसा ही, जी वैसा ही, एम वैसा ही, देन बी के बाद आपका जी चेंज हुआ, पी आपका वैसा ही, और आपका ये भी वैसा ही, ठीक है। देन आपका बी जी एम आपका चेंज हुआ और आपका पी यहाँ पे आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले एक अल्फाबेट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, आपने यहाँ पे तीन स्टेप में सभी को अरेंज कर लिया है। तीसरे स्टेप के बाद ये आपके दोनों यहाँ पे एक ही बार में अरेंज हो गए थे। तो बेटा यही पैटर्न आपको यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको गिवन है, इसी क्वेश्चन का जो इनपुट गिवन है सेकेंड में, उसमें आपको अरेंज करना है। देखो यहाँ बात करूँ स्टेप वन, स्टेप वन सबसे पहले यहाँ पे छोटा नंबर आएगा, सबसे छोटा नंबर है यहाँ पे 24, और लास्ट में क्या होगा आपका सबसे बड़ा नंबर, वो क्या है बेटा आपका यहाँ पे 84, क्या बेटा आपका यहाँ पे 84। उसके बाद स्टेप टू क्या होगा, 24 के बाद उससे बड़ा नंबर कौन सा 24 से, 55। यहाँ पे क्या है 84, और 84 से पहले उससे छोटा नंबर कौन सा बेटा आपका यहाँ पे 64, ये आपका यहाँ आएगा। ये चीज़ आपको सबको क्लियर होगी होगी। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बाकी नंबर वैसे ही लाई करेंगे, 64, S, L, 84, T और 55। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इनको सबको लिख दिया है। आगे मूव करूँगा बेटा देखो, ये आपके ऐसे ही लाई करेंगे, ये आपके ऐसे ही लाई करेंगे, है ना। बाकी के आपके यहाँ पे S, L, T और P, यहाँ पे 55 के बाद क्या आएगा, P और P, ये आपके यहाँ पे इसी फॉर्म में रहेंगे। अब देखो बेटा नेक्स्ट स्टेप में आपने अरेंज क्या करना है वर्ड को, 24 ऐसे ही आएगा बेटा आपका, 55 भी ऐसे ही आएगा। देन बात करो यहाँ पे इनको अगर अरेंज करोगे, सबसे छोटा यहाँ पे आपका अल्फाबेट कौन सा, आप बोलोगे L, क्या बेटा आपका यहाँ पे L, L के बाद S, T और P, और बाकी 64 और 84 आपके ऐसे ही रहने वाले हैं। नेक्स्ट बेटा अगर फोर स्टेप की बात करोगे, तो 24 के बाद क्या आएगा 55, ये तो ऐसे ही रहेगा। L, L के बाद बेटा क्या आने वाला आपका यहाँ से, अगर आप बात करो S, इस स्टेप में देखो आपका L भी अरेंज हो गया, S भी अरेंज हो गया, और आपका यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे L ही अरेंज हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर अगर मूवमेंट करोगे तो P की मूवमेंट करनी पड़ेगी, तो आपका यहाँ P अरेंज हो गया, बाकी बना S और T,
64 और 84। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो एस ओ टी वी बेटा आपके प्रॉपरली अरेंज हो गए हैं, यहाँ पे एस ओ टी वी बेटा आपके प्रॉपरली अरेंज हो गए हैं। तो आपका जो आंसर है वो इन फोर स्टेप में ही आंसर निकल के आ गया है, आपका जो आंसर है बेटा वो फोर स्टेप में ही निकल के आ गया है। अब बात आती है जो क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहे हैं आपको स्क्रीन पे, इन क्वेश्चंस के आंसर हमने कैसे निकालने हैं। बोला गया हाउ मेनी स्टेप वुड बी नीडेड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, तो बेटा आपका यहाँ पे आंसर आएगा डी, फर्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर आएगा बेटा ऑप्शन डी, क्या आएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, ठीक है, विच इज फोर स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा विच स्टेप नंबर वुड बी द फॉलोइंग आउटपुट, क्या है 2455 आपका, मतलब ये इन तीन में से कोई ऑप्शन होगा 2455, लाइक शेयर, लाइक शेयर ट्वीट और पोस्ट, लाइक शेयर ट्वीट और पोस्ट 64 और 84, मतलब यहाँ पे क्या रहा थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप आपका गिवन है ऑप्शन नंबर बी, क्या गिवन है बेटा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द स्टेप वन, यहाँ पे स्टेप वन क्या है, तो आप बोलोगे 24, 64, शेयर, लाइक, ठीक है 84, शेयर आपका स्टेप वन बोला गया यहाँ पे ना, तो 24, 64, शेयर, लाइक, ठीक है 84, 84 के बाद आपका यहाँ से आएगा ट्वीट और 55, क्या आएगा आपका यहाँ पे 84, ट्वीट और 55, यहाँ पे आप हमने कहीं गड़बड़ कर दी है क्वेश्चन में, आपका 84, ट्वीट, 55 और यहाँ पे क्या था पोस्ट, हम अगर बात करें यहाँ पे 84, ट्वीट, 55 और पोस्ट, देन यहाँ पे ये 84 नहीं आना बेटा ना, ये हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा नंबर लिख दिया हुआ एक, ठीक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ अब यहाँ पे ठीक है 84 हमने दो बार रिपीट कर दिया था। तो बेटा अगर यहाँ आंसर की बात करूँ तो आपका आंसर आएगा थर्ड क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, विच इज 2464, शेयर, लाइक, ट्वीट, 55, पोस्ट और 84, यहाँ पे इस चीज़ को मिटा लेना, मैंने यहाँ पे गलती से 84 को दो बार लिख दिया था, इस चीज़ को बेटा यहाँ पे ठीक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फाइनल अरेंजमेंट, तो फाइनल अरेंजमेंट है आपका 2455, लाइक, पोस्ट, शेयर, ट्वीट, 64 और 84, यहाँ पे आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या आएगा बेटा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन की बेटा अगर यहाँ बात करें इन स्टेप फोर विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर वुड फॉलोइंग नंबर और वर्ड वुड बी ऑन नाइन्थ फ्रॉम द राइट, राइट साइड से नाइन्थ की बात करूँ तो ये राइट साइड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे कौन सा आएगा आपका 55, वुड बी 7 फ्रॉम द राइट, तो यहाँ पे कौन सा आपका 55 है राइट से 7 पे, तो ऑप्शन यहाँ गिवन नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ई विच इज नन ऑफ दिस, क्या आंसर आएगा बेटा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई विच इज नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बेटा आई होप आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू थोड़ा कंसेप्ट समझ आया होगा कि इनपुट आउटपुट में आपको एग्जाम में बेटा क्वेश्चन किस तरीके के पूछे जाने वाले हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके एक और क्वेश्चन के साथ बेस्ड ऑन इनपुट एंड आउटपुट, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।